सवाल नंबर एक, कौन सा मेंढक हमेशा उदास रहता है? दोस्तों अफ्रीका में मेंढक की एक प्रजाति है जिसे अफ्रीकी रेन फ्रॉग के नाम से जाना जाता है और वे बहुत उदास दिखते हैं। ये मेंढक केवल दक्षिण अफ्रीका में केप वर्ल्ड बेल्ट के दक्षिणी ढलानों में पाए जाते हैं। सवाल नंबर दो, किस अंडरवियर की कीमत 31,000 है? दोस्तों स्पार्टन नामक कच्चे की कीमत $500 यानी 31,000 रुपए है। इस कच्चे को पहनने से 99% तक रेडिएशन को प्राइवेट पार्ट तक पहुंचने से रोका जा सकता है। कंपनी का कहना है कि खतरनाक रेडिएशन से पुरुषों का स्पर्म काउंट भी कम हो सकता है। सवाल नंबर तीन, चीन में रिलीज होने वाली पहली भारतीय फिल्म कौन सी है? दोस्तों आमिर खान की ब्लॉकबस्टर फिल्म लगान चीन में रिलीज होने वाली पहली बॉलीवुड फिल्म थी। इस फिल्म का प्रीमियर बीजिंग और शंघाई में रखा गया था। सवाल नंबर चार, किस कीड़े के काटने से हर साल 10,000 लोगों की मौत होती है? दोस्तों किसिंग बग्स दुनिया के सबसे खतरनाक जानवरों में शामिल है। ये एक प्रकार के कीड़े होते हैं जिनके काटने से चगास नामक बीमारी हो जाती है। किसिंग बग्स दुनिया भर में हर साल 10,000 लोगों की मौत का कारण बनते हैं। सवाल नंबर पाँच, कौन सी कंपनी आंसुओं का नमक बेचती है? दोस्तों लंदन की हॉक्सटन स्ट्रीट मॉन्स्टर सप्लाईज नाम की एक कंपनी इंसानों की अलग अलग भावनाओं से निकले हुए असली आंसुओं से बना हुआ नमक बेचती है। सवाल नंबर छह, इंस्टाग्राम पर किस फोटो पर सबसे ज्यादा लाइक्स मिले हैं? दोस्तों यह अंडे की फोटो सबसे ज्यादा लाइक्स पाने वाली फोटो है। इस फोटो पर 53.9 मिलियन लाइक्स है। इस फोटो को वर्ल्ड रिकॉर्ड्स एक्स नामक अकाउंट से पोस्ट किया गया था। खास बात तो यह है कि यह फोटो इस अकाउंट की पहली फोटो है। सवाल नंबर सात, किस घड़ी में कभी 12 नहीं बजते? दोस्तों स्विट्जरलैंड के सोलोनार शहर के लोग 11 नंबर को बहुत पसंद करते हैं। यहाँ पर जितने भी डिजाइन है उन सबका नंबर 11 ही होता है, इसलिए यहाँ की घड़ियों पर भी 11 ही बजते हैं। सवाल नंबर आठ, किस देश में डूबते हुए इंसान को बचाना गैर कानूनी है? दोस्तों चीन में किसी भी डूबते हुए इंसान को बचाना गैर कानूनी है। चीन में एक प्राचीन मान्यता है कि जब कोई इंसान पानी में डूबता है तो वह उसके भाग्य में लिखा है। किसी भी इंसान के भाग्य को बदला नहीं जा सकता। इसी मान्यता की वजह से चीन में यह अजीब कानून बनाया गया है। सवाल नंबर नौ, कौन सी लड़की 21 साल में 196 देश घूम चुकी है? दोस्तों 21 वर्षीय लेक्सी एल्फोर्ड ने सबसे कम उम्र में दुनिया के हर देश की यात्रा करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ये अब तक 196 देश घूम चुकी है। सवाल नंबर 10, कौन सा व्यक्ति 10 साल जेल में रहने के बाद खुद का केस खुद ही लड़ा? दोस्तों जेरेड एडम्स को 28 साल की उम्र में झूठे रेप के केस में फंसाया गया था, जिसके बाद उन्हें 28 साल जेल की सजा सुनाई गई। पर उस समय उनके पास वकील हायर करने के पैसे नहीं थे, तो उन्होंने जेल की लाइब्रेरी में लॉ की पढ़ाई करके खुद का केस लड़ा और 10 साल बाद रिहा हो गए। सवाल नंबर 11, किस देश में पैरों से कुश्ती खेली जाती है? दोस्तों इंग्लैंड में हाथ की तरह पैरों की भी कुश्ती खेली जाती है। हाथ की तरह ही प्रत्येक दो लोग एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं। इसकी शुरुआत 1970 में की गई थी। सवाल नंबर 12, कोलगेट ने किस व्यक्ति को एक आइडिया के 70 लाख रुपए दिए थे? दोस्तों एक व्यक्ति ने कोलगेट को एक आइडिया देने के बदले $1,00,000 मांगा, जिससे कोलगेट की बिक्री 40% बढ़ जाएगी। कंपनी ने कहा बताओ, उसने कहा टूथपेस्ट का छेद बड़ा कर दो, जिससे ज्यादा टूथपेस्ट निकलेगा, इस्तेमाल ज्यादा होगा तो सेल्स भी बढ़ेगा। सवाल नंबर 13, किस गांव में पक्षी भाषा बोली जाती है? दोस्तों तुर्की के काला सागर तट पर कुशकोया नामक गांव है, जहां पर लोग पक्षी भाषा बोलते हैं, जिसे कुशदिली कहा जाता है। यह भाषा 400 साल पहले की है। तुर्की के लोग इस भाषा का उपयोग सरल आदेशों और अनुरोधों के लिए करते हैं। सवाल नंबर 14, किस देश में बालों को जमाने की प्रतियोगिता रखी जाती है? दोस्तों कनाडा के यूकोन ठंडे प्रांत में हर साल इंटरनेशनल हेयर फ्रीजिंग प्रतियोगिता रखी जाती है, जो हर फरवरी में तिकनी पुल में आयोजित होता है। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लोग अपने सर को गर्म पानी में डुबोते हैं और फिर ऊपर की ठंडी हवा के कारण उनके बाल जमकर आकार ले लेते हैं। प्रतियोगिता के समय तापमान -30 से -22 डिग्री सेल्सियस होता है। सवाल नंबर 15, कौन सा शहर तेजी से डूब रहा है? दोस्तों इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता दुनिया का सबसे तेजी से डूबता हुआ शहर है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह शहर 2050 तक पूरी तरह समुद्र में डूब जाएगा। सवाल नंबर 16, कौन सा व्यक्ति हवाई जहाज खींच सकता है? दोस्तों कनाडा के केविन फास्ट नाम के व्यक्ति ने 17 सितंबर 2009 को CC-177 ग्लोब मास्टर 111 हवाई जहाज को करीब 8.8 मीटर तक खींचकर सबसे भारी हवाई जहाज को खींचने का विश्व रिकॉर्ड बनाया था। इस जहाज का वजन 188.83 टन था।
सवाल नंबर 17, कौन सा व्यक्ति 60 सालों से मशीन के अंदर बंद है? दोस्तों अमेरिका में रहने वाले द मैन इज आयरन लंग से मशहूर पॉल अलेक्जेंडर पिछले 60 सालों से एक मशीन में बंद है, क्योंकि पॉल को सन 1952 से ही सांस लेने में परेशानी हो रही है। उन्हें सांस लेने के लिए मशीन फेफड़ों का सहारा लेना पड़ रहा है। पॉल की इस हालत की वजह 6 साल की उम्र में हुआ पोलियो अटैक था। डॉक्टरों के पास उन्हें मशीनी फेफड़ों में रखने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं था। सवाल नंबर 18, किस देश में लाल बालों वाले लोग रहते हैं? दोस्तों नॉर्थ वेस्ट यूरोप में करीबन 6% लोग के बाल लाल होते हैं, जिसका कारण वहां का वातावरण और जेनेटिक भी है। इसलिए हर साल 5 नवंबर को यूएसए, यूके सहित अन्य देशों में रेड हेड डे मनाया जाता है। सवाल नंबर 19, हमारी दो आंखें होने के बावजूद हम सिर्फ एक ही वस्तु क्यों देखते हैं? दोस्तों आप अपनी आंखों से नहीं बल्कि ब्रेन की वजह से देखते हैं। दोनों आंखें एक साथ एक ही वस्तु पर टारगेट करती है, लेकिन दोनों आंखें इनकी अलग अलग छवियां बनाती है जो धुंधली होती है, और हमारा ब्रेन इन दोनों छवियों को मिलाकर एक करता है, इसलिए हम दो आंखों से एक ही पिक्चर देखते हैं। सवाल नंबर 20, किस देश में सहवास करने के लिए छुट्टी दी जाती है? दोस्तों रूस में हर साल 12 सितंबर को कपल्स को सेक्स करने के लिए खास तौर पर छुट्टी दी जाती है। और मजेदार बात तो ये है कि यदि ठीक 9 महीने बाद कोई बच्चा पैदा हो जाए तो सरकार उन्हें इनाम में कैश भी देती है। सवाल नंबर 21, किस गांव के लोगों का नाम चीजों पर रखा गया है? दोस्तों कर्नाटक में भद्रपुर नामक ऐसा गांव है जहां पर लोगों का नाम पॉपुलर चीजों पर रखा जाता है। जैसे इस गांव में किसी का नाम गूगल तो किसी का नाम सुप्रीम कोर्ट है। ऐसी कई चीजों पर लोगों का नाम रखा जाता है। सवाल नंबर 22, किस देश में सांपों की खेती होती है? दोस्तों चीन के जिसिक्यू नामक गांव में करीब 30 लाख से भी अधिक सांपों को पाला जाता है। पूरी दुनिया में इसे स्नेक फार्मिंग के नाम से जाना जाता है, जो इस गांव के कमाई का जरिया है। सवाल नंबर 23, किस शोरूम में एक कुत्ता काम करता है? दोस्तों टक्सन एक स्ट्रीट डॉग था जो अक्सर ब्राजील के हुंडई कार के शोरूम के आसपास घूमता रहता था। शोरूम के कर्मचारी उसके साथ खेलते और उसे खाना भी खिलाते। धीरे धीरे कर्मचारियों ने कुत्ते को शोरूम पर रख लिया। उन्होंने कुत्ते को अपना पहचान पत्र भी दिया है। टक्सन प्राइम अब हुंडई शोरूम का एक सम्मानित सेल्समैन भी है। सवाल नंबर 24, कौन सी मकड़ी 2 साल तक जीवित रह सकती है? दोस्तों टेटुरुला नाम की मकड़ी बिना कुछ खाए 2 साल से अधिक समय तक जीवित रह सकती है। सवाल नंबर 25, एसी में स्लीप मोड का क्या मतलब होता है? दोस्तों स्लीप मोड का प्रयोग रात को सोने से पहले करते हैं। स्लीप मोड दबाते ही 1 घंटे बाद एसी का सेट तापमान 1 डिग्री बढ़ जाएगा। जैसे अगर आपने एसी का ताप 25 डिग्री सेट किया है तो यह 1 घंटे बाद 26 डिग्री हो जाएगा। फिर 2 घंटे बाद 1 डिग्री और बढ़ जाएगा, यानी 27 डिग्री हो जाएगा। दोस्तों अब तक की सभी वीडियो की लिंक नीचे पिन कमेंट में दी गई है, आप वहां से देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।